हेलो दोस्तों, एक बार फिर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक क्लास लेके आया हूँ। जो बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम हुआ था 2019 का, वो पुराना मेमोरी बेस्ड पेपर लाया हूँ। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं जो रियल एग्जाम में आए हुए या नहीं भी हो सकते, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर ही मिला हुआ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट फीडबैक। तो दोस्तों, अभी अपन इस जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सभी क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, बिहार CSO, MP CSO, हरियाणा CSO या जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम रहते हैं, उसके लिए मिशन CSO की बुक आ गई है। तो आप प्रिपरेशन के लिए उसको रेफर कर सकते हो। उसका सैम्पल PDF हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप फ्लिपकार्ट अमेजन से आप परचेज भी कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अपन टाइम वेस्ट नहीं करके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देखते ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना। बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया डन विद इन हाउ मेनी डेज, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इंडिया में कितने दिनों में करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये एक्ट कब आया था। तो दोस्तों, अभी नाउ और प्रेजेंटली टाइम में बर्थ रजिस्ट्रेशन आ जाए या डेथ रजिस्ट्रेशन आ जाए, दोनों का आपको कितना करना है, 21 डेज। याद करने की बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक, दो चीज़ होती है, एक बर्थ का और दूसरा किसका रहता है, डेथ। एक बर्थ का, दूसरा डेथ का, और दोनों का आंसर क्या होगा, 1 + 1 = 2 + 1 और मिला दो कितना होगा, 3। तो 3 वीक बोलो तो 21 डेज। तो बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन का है वह कितने दिन में हो जाता है, 21 डेज में करवाना कंपलसरी है। इसके बाद में लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी है। ऑप्शन ए ग्लूटिस मैक्सिमस, ऑप्शन बी ग्लूटिस मिनिमस, ऑप्शन सी सार्टोरियस मसल्स, और ऑप्शन डी डेल्टल मसल्स। देखो दोस्तों, एक लॉन्गेस्ट होता है, एक लार्जेस्ट रहता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट का सीधा सा मतलब होता है, दो वर्ड में बता दे तो, लॉन्गेस्ट का मतलब ऐसे लंबी कौन सी है, और लार्जेस्ट का मतलब होता है ये लंबी भी होगी और फैली हुई भी होगी, ये पूरा क्षेत्रफल गिना जाएगा, पूरा एरिया काउंट किया जाएगा। तो लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है, लॉन्गेस्ट मसल का नाम आता है तो सार्टोरियस मसल्स होगा, और अगर लार्जेस्ट मसल्स की बात करें, लार्जेस्ट मसल्स ग्लूटस मैक्सिमस। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछा हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, सार्टोरियस मसल्स। अगर ऑप्शन में लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पूछा जाता तो ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट रिमूव, ट्यूबेक्टोमी के दौरान कौन सा बॉडी पार्ट रिमूव किया जाता है या उसको बांध दिया जाता है, लिगनेशन किया जाता है। देखो दोस्तों, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी सिंपल से मतलब होता है कि जो फीमेल्स के जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है उसको ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। याद करने का जो सबसे बेटर तरीका है, FT का मतलब होता है, F का मतलब फीमेल और T का मतलब होता है ट्यूबेक्टोमी, और कौन से पार्ट को रिमूव करना है, FT को, फैलोपियन ट्यूब को, बिल्कुल इजी, F फॉर फीमेल, T फॉर ट्यूबेक्टोमी, ये कंप्लीट हो गया। और रिमूव कौन किसको करता है या कौन से पार्ट से संबंधित है, वो है फैलोपियन ट्यूब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब के रिलेटेड है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें इसका सर्जरी किया जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है, ताकि क्या रहता है कि एग जो रहता है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, ठीक है, ओवरी टू यूट्रस। देखो दोस्तों, सिंपली आपको बता देता हूँ, ये सपोज आपका ये आपका हो गया यूट्रस, ये आपकी हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये आपका होता है ओवम। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ओवरी से जो ओवम है, ओवम नहीं जा पाएगी, तो इसके ब्लॉकेज कर लेते हैं या इसका लिगनेशन कर लेते हैं, बांध लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हर्ट डे सेलिब्रेट ऑन विच डे, जो हर्ट डे मनाया जाता है वर्ल्ड में, कौन से दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन वाज द स्वस्थ भारत अभियान लॉन्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो स्वस्थ भारत अभियान जो लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, उस दिन स्पेशल क्या था, किसने किया था। तो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो सबसे पहले तो आपको बात करनी है कि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, कब आई थी, 2014, तो 2014 में ही लॉन्च हुआ। सेकंड थिंग, महात्मा गांधी की जयंती थी, महात्मा गांधी की जयंती थी 2 अक्टूबर को होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जयंती के दिन नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत अभियान को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन एंथलोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी, जो एंथलोस्क्लेरोसिस जो एक डिजीज होती है उसमें आर्टरी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है, फ्रेगिल हो जाती है और हार्ड हो जाती है। तो एंथलोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, हार्ड हो जाती है, इसके फैट का डिपोजिशन होने की वजह से हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान रेस्पिरेटरी रेट कितना रहता है। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जनरली 16 से 20 तक होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में 16 से 20 तक या 22 तक या 21 तक, किसी किसी बुक्स पे 21 तक भी दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 20 रेस्पिरेशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रोथ, दो थिंग्स आती है पीडियाट्रिक में, दो थिंग्स पढ़ते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सिंपल से कि बॉडी का ग्रोथ होगा, बॉडी का ग्रोथ होगा, ठीक है, बहुत बॉडी बढ़ेगी, इसको बोलते हैं ग्रोथ। दूसरा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या मतलब कि पर्सन की स्किल बढ़ेगी, अगर स्किल जहाँ बढ़ती है वहाँ पे क्या रहेगा, एक तो होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटी किसका आता है, ग्रोथ, और क्वालिटी, क्वालिटी स्किल बढ़ने की वजह से क्वालिटी बढ़ेगी और क्वालिटी की स्किल रहता है डेवलपमेंट के लिए। तो देखो दोस्तों, ग्रोथ है साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप, स्किल डेवलप हो रही है, तो स्किल डेवलप, स्किल जहाँ बढ़ा गया मतलब स्किल डेवलप हो रही है, किसका है, ये डेवलपमेंट का। सेकेंड थिंग्स है फिजिकल ग्रोथ, बॉडी बढ़ रही है तो डेफिनेटली किसका, ग्रोथ का एग्जाम्पल है। थर्ड है प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट, प्रोग्रेसिव साइज और शेप बढ़ रही है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर डी जाएगा, बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडल्ट एज व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, मेंटल हेल्थ, कैरियर काउंसिल, फिजिकल हेल्थ, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। देखो दोस्तों, एडल्ट एज के दौरान जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल इन न्यूनेट, न्यूनेट के अंदर जो ब्लड सैंपल जो कलेक्ट करने का जो तरीका सबसे अच्छा कौन सा होता है, या कहाँ से होता है, हील, हैंड, नेक, बैक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी कैन हियर द बेबी एपेसिस बाय द फिटोस्कोप, फिटोस्कोप के दौरान कि जो फिटल हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, कब सुन सकते हैं, तो 24 वीक्स, 28 वीक्स, 20 वीक्स और 40 वीक्स, राइट आंसर क्या होगा, 20 वीक्स तक आप फिटोस्कोप से सुन सकते हैं। फिटोस्कोप स्टेथोस्कोप ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 18 से जो 8 से 10 वीक तक जो रहता है वह कलर डॉपलर का, वो अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। क्यूकनिक भी 18 से 20 की रहती है, क्यूकनिक क्या होता है, जो फर्स्ट बेबी हियर साउंड करता है उसको क्यूकनिक बोलते हैं, या फर्स्ट मूवमेंट बोल सकते हैं कि जो बेबी यूट्रस में जो फर्स्ट मूवमेंट करता है उसको अपन क्यूकनिक बोलते हैं, वो भी जनरली 18 से 20 वीक के दौरान शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो द स्किन विच इंजेक्शन इंजेक्टेड, स्किन के नीचे कौन सा इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। तो स्किन के नीचे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, सबक्यूटेनियस, जिसको हाइपोडर्मिस इंजेक्शन भी बोलते हैं। कौन से डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल तक। जो अगर फैटी पेशेंट रहेगा, ठीक है, उनके डिग्री अलग रहता है, जो थिन पेशेंट रहेगा उनका अलग रहेगा। नॉर्मली अगर वन लाइन में 45 डिग्री, लेकिन किसी किसी अगर आप 90 डिग्री तक भी बोल सकते तो गलत नहीं कह सकते, बट अगर कहीं भी अगर वन वर्ड में आता है तो 45 डिग्री सबक्यूटेनियस, 90 डिग्री पे क्या जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा आपका इंट्रा मस्कुलर, और इंट्रावेनस कितने डिग्री पे जाएगा, 20 से 30 और 25 अप्रोप्रिएट, 25। फिर बात करते हैं इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल में जाएगा 10 से 15, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंट्राडर्मल 10 टू 15, सबक्यूटेनियस 45, इंट्रावेनस 20 टू 30 या 25 एग्जैक्टली, और इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री। फिर एक कोलेरा कोज बाई, जो कोलेरा है, कोलेरा का कारण क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी और स्ट्रेप्टोकोकी। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि भाई कोलेरा डिजीज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज रहती है, और कोलेरा का मैं आपको एक स्पेसिफिक बना देता हूँ कि इसको राइस वाटर डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो डायरिया रहता है राइस के समान, राइस का जो पानी रहता है उसके इक्वलेंट रहता है, तो उसको ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 28 डेज एंड मींस ओवुलेशन अकर ऑन विच डे। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड का जो दिन है कितना है, 28 डेज है, तो ओवुलेशन कब होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए, तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, 14 डेज, राइट आंसर क्या होगा, 14 डेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का ओवर डेवलपमेंट क्या कहलाता है,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, एमपीसीएसओ के लाइक क्वेश्चन बहुत एमपीसीएसओ में भी इजी आते हैं और बीआर में भी एग्जाम पेपर इजी आता है, कुछ 5-7 जीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप वैसे आएंगे नहीं जहाँ तक मानना है, फिर भी आप प्रिपेयर होके जाना और मैं बेसिक जीके जो भी है वो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसकी वीडियो डाले हुए हैं, तो आप वो दो वीडियो देख के चले जाना ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स गायनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पेल्विस मोर सुटेबल फॉर बेबी बर्थ, बेबी के बर्थ के लिए सबसे सुटेबल पेल्विस कौन सी है। सबको पता है गायनेकोइड पेल्विस, गायनेको पेल्विस क्यों सुटेबल, गायनेकोइड पेल्विस गायनिक किस में पड़ता है, गायनिक के अंदर क्या पड़ता है गायनेकोइड, तो जी जी से दोनों को रिलेट करके कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ईजी रहता है एग्जाम में फिर भी कन्फ्यूजिंग आता है, तो आपको माइंड से ये चीज़ निकालनी है, कुछ चीज़ें को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। गायनिक गायनेकोइड पेल्विस सबसे सुटेबल सबसे बेटर पेल्विस है बेबी बर्थ के लिए। विच स्पेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम इज नॉट फाउंड इन इंडिया, प्लाज्मोडियम की जो 4 कैटेगरी होती है इंडिया में कौन सी नहीं पाई जाती है। तो देखो दोस्तों इंडिया में जो ओवल होती है प्लाज्मोडियम ओवल वो इंडिया में नहीं पाई जाती है, बाकी की तीनों कैटेगरी पाई जाती है। पोलियो इज विच टाइप ऑफ डिजीज, देखो दोस्तों पोलियो पोलियोमाइलाइटिस कौन सी टाइप का डिजीज है, वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोआ और फंगाई। देखो और मैं पोलियो के बारे में बता देता हूँ कि पोलियो से अपना देश मुक्त हो गया है कब हुआ, 2014 में 2014 में पोलियो फ्री इंडिया। इसके बाद में ये वायरल डिजीज है सबको पता है। डेप्थ ऑफ द सेस्ट इन एडल्ट चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर के दौरान कि जो एडल्ट में जो सेस्ट का जो डेप्थ रहती है कितना रहता है, कितनी तक डेप्थ रहती है, तो 2 to 2.5 इंच, 1.5 to 2 इंच, 1 से 1.5 इंच, 2.5 से 3 इंच। तो राइट आंसर क्या है 1 से 1.5 इंच, मतलब 3 से 4 इंच तक बोल सकते हैं, यस 2.5 से 4 इंच तक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी कैन सीट विदाउट सपोर्ट इन दिस मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि बेबी कब बैठ सकता है विदाउट सपोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा 7 to 8 मंथ में बेबी विदाउट सपोर्ट तक बैठ सकता है। कोलेस्ट्रॉम इज हाईली, जो परसों के बाद में जो माँ का जो पहला दूध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, और कोलेस्ट्रॉम एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं एक्सपेंसिव नहीं होता है, नॉट वेल्युएबल इन्फेक्शन न्यूट्रिटिव। देखो दोस्तों एक्सपेंसिव तो नहीं होता है क्योंकि दूसरी बात नॉट वेल्युएबल होता है, बहुत मोल वेल्युएबल रहता है और मैक्सिमम जो एंटीबॉडी उसमें अंदर होती है, इसलिए जितना जल्दी है बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। तो ये क्या रहता है न्यूट्रिटिव, हाईली न्यूट्रिटिव रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मेलानियम मेलानिन म्यूक्यूनियम और नॉन ऑफ दिस, जो फर्स्ट स्टूल होता है उस राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर म्यूक्यूनियम। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एक्ट एजेंट, जो एंटीबायोटिक होते हैं एक्ट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट काम करती है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन पेन स्वेलिंग। तो दोस्तों जो एंटीबायोटिक होती है एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है, इन्फेक्शन के अंदर, कोई कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो साथ में एंटीबायोटिक दी जाती है। बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू को ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, तो ये भी वायरल डिजीज है तो ओस्टलामावी जिसको अपन टेमीफ्लू बोलते हैं या ओसिलाट्रामीवीर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 21 जून को इंडियन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओवुलेशन विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, LH हार्मोन। देखो दोस्तों एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि LH सर्स क्या होता है, तो ओवुलेशन से पहले जब LH पीक लेवल पर रहता है उसको अपन LH सर्स बोलते हैं, और ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है LH। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट मसल क्या है, मैंने दोस्तों पहले आपको बताया एक लार्जेस्ट मसल्स रहता है एक लॉन्गेस्ट मसल्स रहता है, तो लार्जेस्ट मसल कौन सी है, लार्जेस्ट मसल होगी ग्लूटियल मैक्सिमस और लॉन्गेस्ट मसल कौन सी थी, सार्टोरियस मसल। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इजी क्वेश्चन आता है ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फार्मर लंग डिजीज कोच भाई, जो फार्मर लंग डिजीज होती है उस किसके कारण होती है, वेजिटेबल ग्रेन्स प्रिंकल्स और कोल्ड। फार्मर लंग डिजीज ग्रेन्स ही होती है इसलिए इसको हे फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में PPIUD की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये भी बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें है नहीं, पोस्ट पार्टम इंट्राहिट्रेन डिवाइस, ऑप्शन सी राइट। इसके बाद में विच डिजीज अक्कर बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल्ड डस्ट, देखो दोस्तों जो ये
क्या बोलते हैं फैक्ट्री ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ हैजर्ड्स है उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसलिए वो जो चार पांच डिजीज है उसको अच्छे से याद कर देना। तो जो लॉन्ग टाइम तो जो कोल्ड डस्ट के जो पर्सन रहते हैं उसको कौन सी डिजीज रहती हैं, वो रहती है बी निमोकोसिस और एंथ्रोकोसिस। ठीक है, एंथ्रासाइटिस जो कोल होता है, कोल का एक सबसे जो बेस्ट साइट होता है उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं और एंथ्रासाइट के नाम के आधार पर उसका नाम रखा है एंथ्रोसिस। और निमोकोसिस तो जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज रहती है उसको इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन विजुअल एग्जामिनेशन। विजुअल एग्जामिनेशन में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, पल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकेशन और ऑस्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जनरली एक एब्डोमेन के लिए अलग से पूछा जाता है, तो इनका दोनों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या है, इंस्पेक्शन। विच साइट यूजली फॉर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सी साइट यूज की जाती है, लेफ्ट लोअर आर्म, राइट लोअर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म। देखो दोस्तों, लेफ्ट अपर आर्म को यूज किया जाता है जनरली, ऐसा लेफ्ट अपर आर्म ही यूज किया जाता है क्योंकि इन फ्यूचर जब भी ऐसे कुछ सर्वे या कोई अगर टाइफाइड सॉरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आता है तो एक यूनिट 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 या यूनिटिटी को चेक करने के लिए हमेशा लेफ्ट अपर आर्म को चेक करते हैं, इसलिए वहाँ पे स्कार बना हुआ है मतलब लगे हुए। लेकिन आजकल बहुत सारे कंडीशन में स्कार नहीं भी बनते हैं तो ऐसा प्रीफर लेफ्ट अपर आर्म को करते हैं। ह्यूमन ऑर्गन इज डिस्कार्ड इन दिस बैग अकॉर्डिंग टू BMW, अकॉर्डिंग टू BMW जो ह्यूमन ऑर्गन होता है वो किस में डिस्कार्ड करना चाहिए। तो देखो सबको पता है कि जो बॉडी पार्ट रहते हैं किसमें करने हैं, ये लो बॉडी पार्ट्स, ये लो। मिनिमम ANC विजिट अकॉर्डिंग WHO फोर विजिट कम से कम करनी ही है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ VVM किस में रहता है, VVM मोस्टली पोलियो की जो वैक्सीन रहती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, सी ऑप्शन राइट है। एज ऑफ मेनार्स इन फीमेल्स, कि फीमेल्स में जो मेनार्स की एज कितनी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, 13 ईयर्स, वैसे 11 to 13 ईयर्स रहता है, 11 to 13 ईयर्स। नेक्स्ट है पेंटावेनल वैक्सीन कंसिस्ट एक्सेप्ट पेंटा मतलब 5 वैक्सीन, 5 वैक्सीन से मिलकर बनी उसको अपन बोलते हैं पेंटा वैक्सीन। पेंटा वैक्सीन में कौन सी नहीं, हिप वैक्सीन बिल्कुल होते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मम्स, वूपिंग। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में एक तो DPT तो है जो पहले से चल रहा है, डिप्टीरिया पर्टोसिस, ठीक है, और टेटनेस। इसके बाद में जो नया ऐड किया, एक तो हिपेटाइटिस को किया है और दूसरा किया है ई वैक्सीन को, हीमोफिल इन्फ्लुएंजा, दोनों को ऐसे ऐसे शुरू किया तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। स्नो स्टोन पैटर्न शो इन एक्सरे विच डिजीज कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आइडेंटिफाई मोल्स रहता है उसमें जो एक्सरे का जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, स्नो स्टोन पैटर्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग वीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है, अगस्त में, अगस्त का जो फर्स्ट वीक होता है जनरली या 1 से 7 तारीख होती है उसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IDD, कई बार अगर 1 to 7 डे ऑफ अगस्त से की कंपेयर या तारीख की कंपेयर ऐसा भी हो सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IDD, तो IDD की फुल फॉर्म क्या होती है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमेनिंग डोज ऑफ मिसल्स वैक्सीन शुड बी डिस्कार्ड विद इन, तो देखो दोस्तों ओपन, इसमें ओपन वायल पॉलिसी वैक्सीन मिसल्स में नहीं होती है, और कोरोना की जो वैक्सीन है इसका भी सेम टू सेम रूल्स है कि 2 ओवर 4 ओवर 4 ओवर to 6 ओवर के बीच में बाद में इसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो गवर्नमेंट स्कीम चला रहा है कि भाई कोरोना वैक्सीन जब आई थी बोला कि 10% आप वेस्ट कर सकते हो या वेस्ट हो सकती है, बट अभी क्या बोला कि शुरू में जो अगर वैक्सीन बच जाती है तो आपको लोगों को बुला के लगा रहे ताकि वैक्सीन वेस्ट नहीं हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उस वैक्सीन को आप 4 ओवर से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन ले सके। जिन वैक्सीन में ओपन वायल पॉलिसी फॉलो होती है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनके लिए अगर फॉलो नहीं होती उन वैक्सीन के लिए दिक्कत आती है। तो मेजर्स की वैक्सीन को 4 ओवर से ज़्यादा नहीं रखते। डोज ऑफ विटामिन ए सोल्यूशन आफ्टर 9 मंथ, देखो दोस्तों 1 ईयर तक डोज 1 लाख यूनिट, आफ्टर 1 ईयर्स टू 5 ईयर्स तक 2 लाख यूनिट लेना है, 1 लाख बराबर 1 ml, 2 लाख बराबर 2 ml। अब जो फर्स्ट डोज लगती है वो 9 मंथ में लगती है, तो जो आपको फर्स्ट डोज कितनी लोगे आप 1 लाख, और उसके बाद में जितने भी डोज लोगे 8 डोज वो कितना लोगे आप 2 लाख, तो 8 बाद की 1 पहले की टोटल कितनी होगी, 9 डोज में टोटल कितने यूनिट लेना है, 17 ml या 17 लाख यूनिट। ओके,
एमएमआर वैक्सीन कंटेन, एमएमआर वैक्सीन मिजल्स मम्स रूबेला, बिल्कुल ये एकदम बीस लेयर प्रेजेंट यूट्रस, यूट्रस में कौन सी लेयर प्रेजेंट रहती है, एंडोकार्डियम कहाँ रहती है, कार्डियक हट में रहती है, अमेट्रियम एंडोमेट्रियम पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम भी कहाँ रहती है, हट में रहती है, तो राइट आंसर क्या है एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, ईयर में तीन बोन्स रहती है, एम आई एस मेलियस इनकस स्टेपिस, तो स्टेपिस बोन्स रहती है, मेलियस बोन रहती है, इनकस रहती है, तो जो सबसे जो पीछे बोन आती है स्टेपिस, ये सबसे छोटी बोन होती है, और सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है फीमर, तो स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, हेवीएस्ट बोन स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट बोन स्ट्रॉन्गेस्ट बोन या लार्जेस्ट बोन लॉन्गेस्ट बोन, ये सब क्या है फीमर। हाँ इसके प्रिपरेशन के लिए अभी तो आपके एग्जाम आ गए, लेकिन अगर आप एम पी सी एस ओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो या हरियाणा सी एस ओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मिशन सी एस ओ बुक आप परचेस कर सकते हो, जो फ्लिपकार्ट अमेजन पे आपको मिल जाएगी, और परचेस करने से पहले आप सैंपल जरूर देख लेना ताकि उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आए, आपको खुद को समझ में आना जरूरी है, बिल्कुल कलरफुल सेकेंड एडिशन बहुत लेटेस्ट अपडेटेड है। विटामिन बी नाइन डेफिशिएंसी विच एनीमिया कर, जो बी नाइन है कौन से टाइप का एनीमिया करता है, तो ये क्या करता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया बी नाइन, और इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्ट इन वर्ल्ड, देखो दोस्तों जो स्मॉल पॉक्स भी वर्ल्ड से चला गया, इंडिया से भी चला गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया से कब गया वर्ल्ड से कब गया, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 25 अक्टूबर 1997 में लास्ट अफ्रीका में सोमालिया में मिला था, और इंडिया में कब मिला था 1975 में बिहार में। इसके बाद में ओपीवी वाज एड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन ईयर, देखो दोस्तों इनिशियल लेवल पे ओपीवी को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं डाला था, लेकिन उसको बाद में डाला 1979 में। इसके बाद में क्रॉनिक रेनल फेलियर कोज ऑल ऑफ द एक्सेप्ट हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्मिया, हाइपोकैल्सिमिया और हाइपरकैल्सिमिया, तो राइट आंसर क्या है हाइपोकैल्सिमिया, क्रॉनिक रेनल फेलियर कोज, बाकी सब कोज है और ये एक्सेप्ट है। इसके बाद में द टेस्ट डेट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, ऐसा कौन सा जो स्पेसिफिक है किसके लिए, मायोकार्डियल डैमेज के लिए, वो कौन ट्रोपिनिन आई। इसके बाद वार्म ड्राई पिंक स्किन सीन इन कौन से शोक में होती है, न्यूरोजेनिक शोक में जनरली, ठीक है न्यूरोजेनिक शोक में वार्म ड्राई पिंक स्किन प्रेजेंट होती है। इसके बाद एंटीडोट ऑफ आयरन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन का एंटीडोट कौन सा है, और एंटीडोट से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा एप्रोक्सामिन बी। इन प्लेसेंटा प्रीविया करेक्टर्स ऑफ ब्लीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग किस में रहती है, प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा प्रीविया में पीवी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेनलेस ब्लीडिंग रहती है अपने को पता चलता नहीं है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग मोर या कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके बाद में वैन वास्त एनआरएसएम लॉन्च इन इंडिया, एनआरएसएम इंडिया में कब आया, देखो दोस्तों इसमें थोड़ा ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि 12 अप्रैल 2005 में एनआरएसएम आया, साथ में किसको लेकर आया, साथ में लेकर आया है ये अपने को आशा को लेकर आया, ठीक है आशा और एनआरएसएम दोनों साथ साथ में है। नेक्स्ट है डोट्स कब आया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है तो ये जनरली कुछ 92 में आया, और ऑल ओवर इंडिया में जो लागू हुआ 97 तक लागू हुआ डोट्स। इसके बाद विजुअल एक्टिविटी चेक बाई विच शार्ट, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं थे तो हमने फिर भी लाने की ट्राई की, तो जो विजुअल एक्टिविटी जो चेक की जाती है वो सनरेल शार्ट से होती है, और जो कलर के लिए जो चेक होती है आपका हर एग्जाम में पूछा जाता था ईसीआर शार्ट, कई बार बोलते सर मेरा कलर विजन है इसमें कौन सा शार्ट यूज होता है, और कई बार कलर विजन के टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ईसीआर शार्ट कलर विजन के लिए और विजुअल एक्टिविटी के लिए सनरेल शार्ट। हाँ वही जो आप अपने आके आई टेस्ट करवाने जाते हो तो जो नंबरिंग लगी रहती है नंबर लगा के वो चेक करवाते हो, सनेल साट उसी को बोलते हैं। एबसेंस ऑफ द स्पर्म इन एबसेंट ऑफ द स्पर्म सीमेन, सीमेन में अगर स्पर्म एबसेंट उसको क्या बोलते हैं एजुस्मिया। एसिड रेन क्या रहती है, एसिड रेन में आपको बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ, देखो जनरली होता क्या एसिड रेन में, एनवायरमेंट में गैसेज रहती है SO2 SO3 और NO2, ठीक है एनवायरमेंट में कौन कौन सी गैसेज रहती है SO2 रहती है NO2 रहती और SO3, और जब भी वर्षा होगी H2O और SO2 मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा H2SO3, और H2 ये क्या है ये सल्फरस एसिड मतलब एसिड रेन हो गया। इसके अलावा जो दूसरी गैस है दूसरी गैस कौन सी है NO2, ठीक है NO2 और H2 मिलकर क्या बन जाएगा SNO3 जो नाइट्रिक एसिड रहता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं एसिड रेन, तो इसको बिल्कुल आप कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल रहते हैं SO2 NO2। इसके बाद में
देखो दोस्तों, इसी प्रकार के नोट्स और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आपको प्रिपरेशन के लिए ESSC की प्रिपरेशन के लिए आप मिशन नॉनटेक बुक परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, GS जनरल साइंस और कंप्यूटर सभी 5 सब्जेक्ट हैं, ताकि आपको हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। और बिल्कुल इसकी लो पोस्ट कोस्ट रखिए, उसका सैंपल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जो नंबर है मेरा इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देना, इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको सैंपल मिल जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए जो अभी MP का एग्जाम आएगा या हरियाणा का आएगा या फर्दर कोई भी वैकेंसी के लिए कलरफुल सेकेंड एडिशन वो आ गया है मार्केट में, आप परचेस कर सकते हो। और दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।